आज दुनिया और मोदी जी का लोहा मान रही। वो तो क्या करने के लिए गए थे, खाली फोटो खिंचवाने के लिए? आप कह रहे सोनिया गांधी जिंदाबाद, आप राहुल गांधी जिंदाबाद, ये कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है क्या? खाली राजनीति करते हैं और कुछ नहीं है कांग्रेस के पास, खाली क्या फोटो, बस फोटो खिंचवा रहे। तो आओ तो सही, दिखो तो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी, समाज दिनेश के साथ कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव चंडीगढ़ से रामवीर भट्टी जी, ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति से जुड़े भट्टी जी रायपुर करा गांव और मक्खन माजरा गांव के पंच रह चुके हैं, चंडीगढ़ मार्केट कमेटी के प्रधान और डायरेक्टर भी एक समय पर रह चुके हैं। भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज स्टूडियो में। धन्यवाद। भट्टी साहब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोरोना, जिसके चलते सभी लोग आज त्रस्त हैं, पूरा देश परेशान है, लॉकडाउन 4.0 में हम कदम रख चुके हैं। चूंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो आपने पिछले 2 महीनों के इस लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर आप हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से वहाँ की जनजीवन रहा, कैसे वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने अपने आप को कोरोना के खिलाफ तटस्थ रखा और किस तरह से मजबूती रखी। सजीव गाँव में लॉकडाउन का पूरा असर था, बीमारी का नहीं था असर। लोगों ने सेवा के बहुत काम किए, सेवा में लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी और लोगों में घबराहट भी नहीं थी कम से कम गाँव में, क्योंकि जो काम जो चंडीगढ़ के अपने 23 गांव हैं, यहाँ पर किसी भी गांव में ये मैं कहूँ खुशकिस्मती है यहाँ के गांव के लोगों की कि कोई ऐसा केस गांव से किसी से नहीं आया। और गांव के लोग एक सेवा भाव से काम करते रहे, सब गुरुद्वारों में मंदिरों में कई जगह माड़ी है वहाँ पर लंगर बनाए बनाए करके, जो चंडीगढ़ के अंदर जो सलम एरिया था जहाँ जहाँ जरूरत थी तो वहाँ पर चंडीगढ़ के गाँव के लोगों ने सब जगह खाना पहुँचाने का काम किया। भट्टी साहब, आप मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं जी, तो ये जो बापू धाम अभी कोरोना धाम बनता जा चुका है जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि उसके आसपास गांव भी हैं और फिर सबसे बड़ी बात है ग्रेन मार्केट है जिसके आप खुद प्रधान रह चुके हैं। अच्छा जी, के जो बापू धाम है, जो नरेंद्र सिंह एक वहाँ सज्जन थे जिनकी वजह से सारी ये बातचीत हुई, वो सेक्टर 32 का जो हॉस्पिटल है वहाँ के वो एम्प्लॉई हैं, उनकी वजह से सारा कुछ ये आगे से आगे चली। पर मैं समझता हूँ कि मार्केट कमेटी और मंडी के अंदर जितने लोग काम करते थे वहाँ कोई कोरोना का जो है ना पॉजिटिव पेशेंट नहीं आया। ठीक है, तो इसी पे एक चीज ये समझ में आ रही है कि पिछले हफ्ते ये प्रशासन ने क्यों फिर इसको 26 से 17 में सेक्टर किए, सेक्टर्स में ये शिफ्ट किया है? जो मैं समझता हूँ, बाकी तो प्रशासन के लोग इसको अच्छे तरीके से आपको बता पाएंगे, कि उन्होंने ये सोचा कि जो सब्जी मंडी है सेक्टर 26, आप ज्यादातर लोग वहीं पर रहते हैं जो काम करते हैं, चाहे वो केले का व्यापार करते हैं, चाहे सब्जी का व्यापार करते हैं, चाहे टमाटर का काम करते हैं, या फिर जो दुकानें ग्रेन मार्केट में दुकानें, ज़्यादातर जो लेबर का काम करते हैं वहाँ पर, वो बापूधाम में लोग रहते हैं। इसलिए प्रशासन ने, मैं समझता हूँ कि एहतियात के तौर पर ये वहाँ इसको मंडी को ग्रेन मार्केट को नहीं, फ्रूट और जो वेजिटेबल मार्केट है उसको सेक्टर 17 में इन्होंने शिफ्ट करने का निर्णय किया। लेकिन अभी बात ये भी आ रही है कि हालांकि शहर पूरी तरह से खोल दिया गया है काफ़ी हद तक जी, और सेक्टर 26 की मंडी फिर से खोली जा रही है, पर अभी भी कहा जा रहा है कि टेम्परेरी जो अस्थाई मंडी है 17 की वो चलती रहेगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा जी, वो मंडी तो पहले भी खुली रही थी, मंडी बंद कहाँ थी, समय था भाई इतने बजे से, पहले उन्होंने 2 बजे तक किया, 10 से 17 में बिक रही है सर अभी तो सारी सब्जियां पिछले एक हफ्ते से। अब वही मैं कह रहा, जो इस ये पूरा पीक टाइम आप कह सकते थे जो था जी, तो सारा पीक तो है भट्टी साहब, 6 कल मामले आए, 2 आज फिर सुबह आ गए, अभी शाम तक हो सकता है कि गणित और बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, मैं कहूँ परमात्मा ना ऐसा है, अपना शहर ठीक ठाक रहे, सारी चीजें स्मूथली चले, पर अब उन्होंने किया वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने, वहीं पर वो कर रहे, बाकी जो ग्रेन मार्केट का है वो सारा वहीं पर हो रहा है। अभी अपनी जो कणक थी, कणक सेक्टर 39 की जो मंडी है वहाँ पर बिक रही थी, अब 1 या 2 दिन के बाद इधर शिफ्ट हो जाएगी। जो खाने की गेहूँ कणक है जितने जिसने खरीदनी तो यहाँ से खरीदेगा आकर के, बस फ्रूट और वेजिटेबल की जो बात है वो टोटली 17 में है, बाकी तो जो फूड की जितनी ग्रेन मार्केट की आइटम है सारी यहीं पर मिलेंगी। आपने भट्टी साहब अभी कहा कि गांव में कोरोना का इतना ज्यादा असर नहीं रहा, हालांकि लॉकडाउन का पूरा पालन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये चंडीगढ़ शहर इतने पढ़े लिखे लोगों का शहर है, अच्छी लिटरेसी रेट है यहाँ पे, हाँ जी, पढ़े लिखे और अच्छे वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं जी, जी। ऐसा क्यों हुआ कि गांव में लॉकडाउन मतलब कोरोना का इतना असर नहीं लेकिन चंडीगढ़ में इतना ज्यादा असर, इसके बारे में क्या कारण समझते हैं आपकी, इसमें क्या रहा होगा पीछे कारण? ऐसा देखो, गांव में एक तो है कि लोगों के घर खुले डुल्ले घर हैं, ठीक है जी, और
कोई इधर बैठ गया, कोई उधर बैठ गया, गांव में आपस में एक भाईचारा है, एक सांझ है। तो ये आप बापू धाम की बात करोगे, 10x8 का या 10x12 का कमरा है, और उसके अंदर 5, 7, 8 परिवार का जो जो जीव का परिवार है उन्होंने वहीं रहना। मैन तो एक कारण ये रहा, तो और ऐसी कोई बात नहीं। गांव में तो लोगों के अंदर पूरी जागरूकता थी, किसी भी गांव में एक भी ऐसा पेशेंट नहीं आया कि जो कोरोना पॉजिटिव हो। प्रशासन कभी लॉकडाउन खोलता था, कभी कुछ एरियाज को सील कर देता था, अब 4.0 में सब कुछ खोल दिया है, केसेस फिर भी बढ़ रहे हैं। ऐसा है आपको क्या लगता है, कि प्रशासन कहीं ऐसा तो नहीं कि सिटी ब्यूटीफुल को एक एक्सपेरिमेंटल सिटी के तौर पे देख रहा है? नहीं, मैं नहीं ऐसा समझता कि प्रशासन के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। प्रशासन के जो लोग हैं उन्होंने, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने बहुत अच्छा काम किया, SSP यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही थी, जो कमिश्नर थे उन्होंने बहुत अच्छा, और उनकी जो टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मैं कहूँगा मामा जो राज्यपाल हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ चंडीगढ़ प्रशासन के, तो उन लोगों ने सारा बैठ करके बहुत जो भी निर्णय किए, और जो MHA की जो गाइडलाइन थी, मैं समझता कि उससे बाहर जा करके उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, मैं तो कहूँ कि उन सबका धन्यवाद है। जितने चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, सफाई कर्मचारी हो, चाहे ये अपने वाटर सप्लाई वाले हो, चाहे डा पोस्टमैन जो पोस्टमैन है, ये सब लोग, और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रशासन ने जितना काम किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी कोई कम नहीं काम किया। एक एक दिन में 75-75 हजार आदमी के खाने की तो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। मेरे पास, मैं पूरा वो लेकर कहा कि मेरे पूरा रिकॉर्ड है कि किस जिले में भाजपा के संगठन की दृष्टि से 5 जिले हैं, इसमें सारा रिकॉर्ड है, किस दिन किस जिले में कितने भोजन के पैकेट बने, किस दिन कहाँ पर क्या क्या हमने किया, पानी हमने दिया, सूखा राशन वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो सारा एक एक चीज मेरे पास रिकॉर्ड है इसमें, क्योंकि मुझे रोज दिल्ली भेजनी पड़ती है रिपोर्ट। तो पार्टी के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, उन सब का भी पार्टी कार्यकर्ताओं को सबको सल्यूट है, प्रशासन भी, पुलिस, सबको नमन करता हूँ मैं पार्टी की तरफ से कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और चंडीगढ़ की जनता को भी मैं महसूस करता हूँ कि एक दो अपवाद है जहाँ बापू धाम या और कुछ छोड़ करके, जो ये सारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने इसको मेंटेन रखा बना के, और भारतीय अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो समय समय पर लोगों से जो जो अपील करते रहे भाई आप ये एहतियात बरतनी, तो चंडीगढ़ के लोगों ने वह एहतियात बरती। मैं चंडीगढ़ निवासियों का भी पार्टी की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूँ। पटी साहब, जाते जाते केवल एक आखिरी सवाल। देश जी। की फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 दिन पहले ये कहा कि अब देश का किसान कहीं भी अपना धान, फल, सब्जियां बेच सकता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। इसको किस तरह से देखते हैं? मैं एक बात महसूस करता हूँ कि मोदी जी तो शुरू से, ये सरकार जब से आई, मोदी जी की अभी 6 साल हो जाएंगे, 6 साल में 19 मई का चुनाव था पिछले बार, आज 19 ही है, कल 19 है, आज 19 आज 19 मई है, पूरा 5 साल पहले और 1 वर्ष हो गया। आज 19 मई को चंडीगढ़ के अंदर वोटिंग हुई थी, 3-4 दिन के बाद सरकार बनी थी। 6 साल के अंदर देश के अंदर किसान का, जवान का, जो सैनिक है उनका इतना सम्मान, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का इतना सम्मान देश में नहीं दुनिया में बढ़ा, इतना कभी नहीं बढ़ा। मोदी जी ने अभी कहा, पहले भी 6-6 हजार रुपये जो किसान है किसान उसके खाते में, किसान के खाते में मोदी जी ने डाले, और अभी भी जो ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, मैं समझता हूँ किसान तो है ही है, जो मजदूर है, जो रीढ़ की हड्डी है, उनके बिना कुछ नहीं है। किसान अब मेहनत करता है पर वो भी एक सहयोगी है, एक सहयोगी के नाते उन्होंने जो हर वर्ग है, हर वर्ग की चिंता की है। और मैं एक बार एक जरूर मैं कहना कि कांग्रेस के लोगों ने, आप जो अच्छी चीज है कम से कम उसको तो कह दो, आप कहीं दिखाई पड़ नहीं रहे थे, कहीं भी इस जो पूरे का पूरा ये एक वार ही चल रही थी, इस वार में कहीं दिखाई नहीं पड़े, बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो नहीं किया, मोदी जी ने ये नहीं किया, आज दुनिया और मोदी जी का लोहा मान रही, अब दुनिया मोदी जी का लोहा मान रही, कांग्रेस के लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। उस टाइम अपने आप तो वो सारी चीजें, ABC का जो सो है ना, एक्सीलेटर किसी के पास था, ब्रेक किसी के पास था, क्लच किसी के पास था, 10 साल मनमोहन सिंह जी खाली सीट पर ही बैठे थे, पर मोदी जी के टाइम में ऐसा थोड़ा ही। आज दुनिया के अंदर मैं महसूस करता हूं कि आज देश की जनता को मोदी जी कोई भी आह्वान करते हैं, चे भाई ताली बजाओ, थाली बजाओ, चे आप कहो उनके लिए, आप जो कोरोना वॉरियर हैं उनके लिए आप लाइटिंग करो, कोई भी आह्वान करते हैं, सब हंस हंस करके कह रहे मोदी जी जो भी कर रहे देश की जनता के लिए कर रहे, अपने लिए कुछ भी नहीं, अपना कहाँ क्या है, उनका माता है, उनके अपने गाँव में रहती है, नहीं परिवार उनका कुछ नहीं कहता, मेरा परिवार तो सारा देश है,
इसलिए मोदी जी जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों से मैं निवेदन करना, जो यहाँ के बाकी के जो लोग हैं उनसे भी निवेदन करना, आप ये कहोगे आपको लगते हैं कोई कमी है, कहला ये होगा इसका हम स्वागत करते हैं, इसको भी करें तो अच्छा। आप बार बार कह रहे बीजेपी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने ये नहीं किया, एनडीए की सरकार ने ये नहीं किया, चंडीगढ़ की सांसद कहाँ पर है, चंडीगढ़ की सांसद शहर में है, हर टाइम चंडीगढ़ के जो ऑफिसर हैं एक एक बात के लिए वे चिंता कर रही, सबसे कह रही कि लगे जी आप वहां पर ये कमी है, वहां ये कमी है, यहाँ ये आप ये काम होने वाला है, सारा कुछ कर रहे पार्टी के सब लोग लगे हैं। कांग्रेस के लोगों से भी मैं निवेदन, कांग्रेस इसका मुद्दा क्यों बनाती है फिर? कांग्रेस के पास कुछ है नहीं ना, कुछ भी नहीं कांग्रेस के पास, ना कहने को, वो तो ये कहते हैं कि बस कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति, उनका तो ये कहना है कि सांसद जी बस बाहर आके एक बार हाथ हिला दें सभी जनता के सामने तो पता लग जाएगा कि वो हैं या नहीं है। यहाँ यहीं पर है ना सांसद जी, पवन बंसल जी कहाँ पर गए थे, कहाँ गए थे छावड़ा जी का, आप एक दो जगह गए, अरुण सूद सब जगह कितनी जगह काम कर रहे, अगर अरुण सूद को देख लो ना सब जगह जो अध्यक्ष हैं हर जगह, बापू धाम उनको जाने से गुरेज नहीं है, 27 सेक्टर में जाने से परहेज नहीं है, 30 सेक्टर से जाने से परहेज नहीं, 56 सेक्टर जाने में परहेज नहीं, संजय टंडे जी संजय फाउंडेशन के नाम से मेरे ख्याल से नहीं तो हजारों किट यहाँ पर जो जरूरतमंद उन लोगों को उन्होंने दी थी, सतपाल जैन बैठ करके सब जगह जा रहे भाजपा का बड़े से लेकर के और छोटे कार्यकर्ता सब लोग फील्ड में, कांग्रेस के लोग कहाँ पर है, कहीं भी नहीं है। 3 दिन रसोई चलाई उन्होंने, अब 3 दिन रसोई चला गया 300 खाने। कांग्रेस ने पिछले दिनों अर्थप्रकाश टीवी पर ही आकर ये कहा, प्रदीप छाबड़ा प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ कांग्रेस, कि कांग्रेस पार्टी फाइनेंसेस मुहैया करवा रही है एडमिनिस्ट्रेशन को मजदूरों के पलायन के लिए, उनके रेल यात्रा का किराया या बस का किराया कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है जी। उसके जवाब में 2 दिन बाद में मैडम किरण खेर सांसद चंडीगढ़ ये जवाब देती है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, तो कहां इसमें जनता किस तरह से समझे इस बात को? जनता सब समझती है, जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। जिस दिन पहली ट्रेन चली हम सब लोग गए थे रेलवे स्टेशन पर, कांग्रेस के लोग भी आए थे, हम लोग लेकर के गए थे वहां पर सबके लिए, 1200 कुछ लोग वहां पर जो गए थे पहली ट्रेन में चाय लेकर के गए थे, उनके लिए बिस्कुट नमकीन मट्टी के पैकेट लेकर के हम लोग गए थे, आप ये लो रास्ते के लिए, और वो क्या करने के लिए गए थे, खाली फोटो खिंचवाने के लिए। आप कह रहे सोनिया गांधी जिंदाबाद, आप राहुल गांधी जिंदाबाद, ये कांग्रेस का प्लेटफॉर्म है क्या? सरकार बीजेपी की है, सब कुछ तो बीजेपी कर रही, वो लोग क्या कर रहे, किसको दिए, कौन सा उनके पास अकाउंट होगा ना, किस अकाउंट से चंडीगढ़ प्रशासन को किसको पैसे दे दिए? उन्होंने कहा था जो लोग ठीक है कांग्रेस के कहने से इन्होंने ट्रेन चला दी, हम इनको जेब खर्चा देंगे, कितने लोगों को दिया है जो लोग जाने लग रहे, खाली राजनीति करते हैं और कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। इसलिए मेरा निवेदन है कांग्रेस के लोगों से, आप ये जो महामारी है ये वैश्विक महामारी है, दुनिया में महामारी है, कम से कम इस पर तो आप राजनीति ना करो, आप सोच सकारात्मक सकारात्मक करके चंडीगढ़ की जनता देश की जनता सब कुछ देख रही, इसलिए आप राजनीति ना करो, आप कुछ भी नहीं कर रहे, खाली क्या फोटो बस फोटो खिंचवा रहे और कमियां निकाल रहे। अभी भी रोज 43 से लोग जा रहे यहाँ पर, सबका टेस्ट वगैरह कर रहे चंडीगढ़ प्रशासन, एक दिन कौन आ रहा है वहां पर? आज भी गए थे हम लोग, संजय टंडन जी गए थे बीजेपी के जो अपने संगठन मंत्री पंजाब और चंडीगढ़ के माने दिनेश जी थे, पप्पू शुक्ला जी थे, हरिशंकर मिश्रा जी थे वहां पर, सब लोग थे, कल अरुण सूद जी गए थे, आज भी हम वहां पर 10 क्विंटल चने लेकर के गए थे बुने हुए, और 25 पेटियां पानी की लेकर के गए थे, 25 डब्बे बिस्कुट के पैकेट लेकर के गए थे, और 800 जुतियां और चप्पल लेकर के गए थे हम। हम रोज जा रहे हैं, हम देर का आओ तो सही, का दिखो तो सही, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं और हम सेवा कर रहे हैं। सही कहा आपने कि ये समय अभी राजनीति का नहीं ना मुद्दे बनाने का है, अभी समाज को जरूरत है एक दूसरे के साथ खड़े रहने की। ऐसे ही किसी मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।